हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एसी का पूरी सॉल्व पेपर है, जो 150 जो क्वेश्चन थे इसका पूरा सॉल्व किया गया है। और मैं बता दूं कि ये 30 तारीख की जो शाम का इवनिंग जो शिफ्टिंग था उसका क्वेश्चन पेपर और विथ आंसर, तो पूरी आपको इसमें सॉल्व मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो क्वेश्चन है किस प्रकार का है और कौन कौन से क्वेश्चन का कौन कौन सा आंसर होंगे। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी 100% मेरा जो सॉल्व है सही है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि इसमें चार भाग में जो था क्वेश्चन को बांटा गया था। भाग वन में जो था 25 क्वेश्चन थे बुद्धि परीक्षण के लिए, सामान्य बुद्धि परीक्षण, और सामान्य ज्ञान जो 50 क्वेश्चन थे, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित जो थे वो आपको 50 क्वेश्चन थे, और हिंदी जो थे 25 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन थे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इसमें, निम्नलिखित में से आपको उत्तर देने के लिए विकल्प दिया गया है, और इसमें प्रश्न है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और सब ने एक अद्वितीय रैंक प्राप्त की। सुषमा को 7वीं रैंक मिली और उसके आगे 4 लड़के तथा उसके पीछे 9 लड़कियां, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, सुषमा से आगे 2 लड़कियां हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों की कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ये आपको बताना था। तो 2 का आपको आंसर जो है इसमें असंगत चुनना है, तो 2 में जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी PCU इसका उत्तर है। 3 है जो इसमें भी असंगत आपको बताना है, जो इसका आंसर होगा 3 का डी होगा, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग। 4 का आपको जो श्रृंखला है यानी सीरीज है जो लुप्त है उसको आपको पूरा करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा यानी 120। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक चार्ट दिया गया है और इसको जो चार्ट है आपको देखकर बताना है। पहला क्वेश्चन जो था इसमें पूछा गया है, यदि एक परिवार यानी मतलब परिवार का जो बजट है वो 18,000 प्रतिमाह है, तो मनोरंजन, कपड़े और परिवहन तीनों मदों पर होने वाले मासिक व्यय कितना होगा? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा यानी 5400। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि निखिल जो कि रमन का पुत्र है ईशा से कहता है, आपकी माँ रिया मेरे पिता की छोटी बहन है और मेरा पिता सुरेश की दूसरी संतान है, तो इसमें बताइए कि ईशा से क्या संबंध है? सुरेश का ईशा से आपको संबंध बताना है, तो ये दादा है, मतलब इसका दादा रिलेशन जो होगा वो दादा का होगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 कथन दिए गए, उसमें से आपको जो पूछा गया कथन 1 में कि सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, दूसरा पूछा गया सभी लैपटॉप स्मार्टफोन है, और तीसरा कुछ स्मार्टफोन टैबलेट है। तो निष्कर्ष है कि कुछ टैबलेट कंप्यूटर हैं, और दूसरा निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ स्मार्टफोन कंप्यूटर है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, निष्कर्ष 1 और 2 यानी 1 2 दोनों जो है अनुसरण करता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में आपको बताना है चित्र, इसमें कह रहे हैं चित्र विकल्प जो चित्र है सी का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है। तो बी ए और तो सी का संबंध किस कैसा होगा? तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, 8 का जो है वो सी है, यानी आपका 614 वाला सही है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि रंगों की निम्नलिखित सूची में से विषम का जो चयन है वो कौन सा है, यानी नारंगी, बैंगनी, भूरा, लाल, हरा, नीला, पीला। तो देखिए आपको जब आपको पता होगा कि जो इंद्रधनुष होता है 7 रंगों का होता है, और इसके अलावा जो रंग होगा वो क्या होगा? विषम होगा। तो भूरा जो है इंद्रधनुष में नहीं मिलता है, यानी बी आपका ऑप्शन जो है वो राइट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन में औसत, परिसर, माध, प्रसरण, मानक, विचलन, बहुलक, अपवर्तन, तो इसमें से जो है आपको बताना है इस समूह में कौन सा असंगत है। देखिए अपवर्तन जो है ये असंगत है, यानी 10 का डी ऑप्शन आपका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें संबंध बताना है कि कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, और कुछ लड़के गायन और नृत्य दोनों कर सकते हैं, तो आपको बताना है कौन सा ये पूरा जो है फिगर में सटीक होगा, तो ए ऑप्शन आपका सही है, 11 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। एक घन के सारे सतहों के पीले रंग से रंग दिया गया है, और उसके बाद उस घन को समान आकार वाले 64 छोटे घनों में काट दिया गया है, इनमें से कितने छोटे घन ऐसे होंगे जिनके किसी भी सतह पर पीला रंग
नहीं होगा, तो वो ऑप्शन बी होगा यानी 8 होगा, जहां कोई भी रंग जो होगा पीला से नहीं रंगा होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सोनम और शीतल एक ही ऑफिस से निकलकर अपने अपने घरों की ओर चलती हैं। सोनम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चलती है और अपने घर पहुंच जाती है। शीतल 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है लेकिन बाईं ओर मुड़ जाती है और अपने घर तक पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। उनके घरों के मध्य जो है न्यूनतम दूरी कितनी होती होगी, ये आपको बताना है। तो सी ऑप्शन आपका सही है यानी 26 किलोमीटर, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, आपको कथन कुछ दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है और निष्कर्ष के तौर पे कि जो आपका सही होगा कौन सा होगा। तो कथन है कि सरकारी स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब हो गई है और अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिल दिलाना पसंद करते हैं। तो निष्कर्ष है कि प्राधिकारियों को स्कूल में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, तत्कालिक कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा कह रहा है निष्कर्ष में कि सभी सरकारी स्कूलों को या तो निजीकरण कर दिया जाए या पूर्ण रूप से बंद ही कर दिया जाए। तो देखिए ये जो अनुसरण इसका जो ऑप्शन होगा ये सही होगा, केवल पहला है जो निष्कर्ष पहला है वो अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट 15, 15 का जो आपका ऑप्शन होगा डी होगा। कथन दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखे के उपयोग पर क्या किया था, पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपको जो निष्कर्ष निकालना है इसका जो सही होगा अभी, मतलब जो इसका धारणा जो है सही होगा वो कि पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाती है। तो आपको 15 का डी ऑप्शन सही है। 16, 16 का जो इसमें क्वेश्चन है कि कथन एक कथन और उसके नीचे दो क्रियाविधि दी गई है। तो कथन है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाएं में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्रियाविधि में कह रहा है पहला कि पुलिस विभाग को जो है रात के समय अधिक संख्या में पुलिस वालों की तैनाती कर देनी चाहिए, यानी तैनाती करके निगरानी बढ़ानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है निवासियों को सलाह दी जानी चाहिए कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरते और सुरक्षा गार्ड और चौकीदार की तैनाती करें। तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा बी सही होगा, केवल क्रियाविधि दो का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट 17 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो देखिए प्लाईवुड फर्नीचर से संबंधित है, फ्लोरिंग जो होती है और टाइल्स की होती है। तो आपका 17 का बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो क्रिकेट में अंपायर होता है, फुटबॉल में कौन होता है, रेफरी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर छूट गया है तो आप लोग सॉल्व करके जो है कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में समर को S21M13E18 लिखा गया है और विंटर को W9N20E18 लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में ऑटम को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसका सी ऑप्शन सही है, A21T21M14। 20 का सी हुआ। 21 का मदन ने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वह महिला मेरे पुत्र की माँ के ससुर के दामाद की पुत्री की माँ थी। मदन का उस चित्र वाली महिला से क्या संबंध है। तो देखिए वो बेटा होगा, यानी 21 का बी आपका ऑप्शन सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चार कथनों और उससे संबंधित चार निष्कर्ष दिए गए हैं, चिन्हित करना है कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के निश्चित रूप से अनुसरण करता है भले ही वे समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। तो कथन कह रहा है पहला में कि सभी लड़के खेल सकते हैं, दूसरा कुछ लड़कियां गायन कर सकती है, तीसरा सभी लड़कियां भोजन पका सकती है और चौथा कोई भी लड़का है सिलाई नहीं कर सकता है। तो निष्कर्ष होगा कोई लड़की खेल नहीं सकती है, दूसरा कह रहा है कि सभी लड़कियां सिलाई कर सकती है, तीसरा कुछ बावर्ची लड़कियां हैं और चौथा कह रहा है जो लड़के खेलते हैं वो सिलाई नहीं कर सकते। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, केवल निष्कर्ष थर्ड और जो है फोर्थ अनुसरण कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़े और ज्ञात करें कि जो प्रश्न चिन्ह दिया गया उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इसका 23 का जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, यानी 91 इसके स्थान पे जो होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 91 आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रश्न दिया गया राजन जो है रमेश से छोटा है और रमेश जॉर्ज से लंबा है, उनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए सी ऑप्शन सही होगा, जॉर्ज राजन से लंबा है। तो 24 का सी। 25 का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है कि तीन मित्र ए बी सी की आयु 5:4:3 के अनुपात में, तो सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी होगी। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही है, ए की आयु 5 का गुणज पूर्ण गुणज है, यानी 25, 20 और
15, तो ऐसे है तो 25 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुंबई में स्थित भारत के प्रमुख शोध संस्थान टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? तो संदीप पी त्रिवेदी है, यानी 26 का डी आपका ऑप्शन सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादी कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसे किस नाम से संदर्भित किया जाता है? तो देखिए गुड़ी पड़वा, यानी ऑप्शन सी सही है, 27 का ऑप्शन सी आपका सही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय हाल ही में किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय संस्थान के कुलाधिपति यानी चांसलर के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो 28 का बी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के परिसर में सॉरी पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो लुधियाना में है, 29 का बी आपका ऑप्शन जो है सही है। 30 नंबर क्वेश्चन, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है या पशुपालन किए जाते हैं उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो जीविका कृषि के रूप से नाम से जाना जाता है, यानी 30 का ए आपका ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो 31 का सी आपका सही है, यानी रबर जो है खाद्य ये रोपण फसल नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होगा? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, यानी 32 का डी ऑप्शन आपका सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? असी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्रा घाट मिलेंगे। तो देखिए ये वाराणसी में मिलेंगे, यानी 33 का बी आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन करें, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो कुतुब मीनार में है, यानी 34 का सी आपका ऑप्शन सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिये उकाई बांध जो है वो भारत के जो राज्य है वो गुजरात है, यानी 35 का ए ऑप्शन सही है। 36 जो है इसका ऑप्शन सी होगा, ऑल इंडिया रेडियो होगा, जिसका जो कह सकते आदर्श वाक्य है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो 36 का सी ऑप्शन आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस एक नवीन मार्केट प्लेस ऐप का जो है शुरुआत की है? तो कॉफी कनेक्ट, यानी 37 का सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों में वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग जो है नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? तो ये असम ने शुरू किया है प्रणाम आयोग, तो 38 का ये ऑप्शन सही है। 39 कह रहे टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में, यानी 39 का सी ऑप्शन आपका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप एक एक्सल वर्कबुक खोलते हैं, जब एक नई एक्सल वर्कबुक खोलते हैं तो खोलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती है? तो ऑप्शन आपका जो होगा बी होगा, 3 होता है, ये 40 का बी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार प्राप्त है? तो देखिए जो है adobe.inc. है, तो आपका डी ऑप्शन 41 का डी ऑप्शन सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, एज वर्ब सिस्टम जो है किस भारतीय आईटी कंपनी का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है? तो इंफोसिस का है, 42 का बी ऑप्शन सही है। 43 का देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल है, यानी 43 का बी ऑप्शन सही है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा जो है साझा नहीं करता है? तो 44 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, हरदोई है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अनुभवी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? तो प्रयागराज, जो कि अब मतलब पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया है, तो 45 का ए ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बांके बिहारी का मंदिर जो है वो वृंदावन में है, यानी 46 का सी ऑप्शन आपका सही है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? तो बारहसिंगा है, 47 का बी आपका जो है ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए
विश्व प्रसिद्ध है। तो 48 का आपका जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, लकड़ी पर नकाकसी, नकाकसी। 49 का जो आपका क्वेश्चन है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान यानी CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये आपका बरेली में है। 49 का बी ऑप्शन आपका सही है। 50 क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, अवध राज जिसे अवध भी कहा जाता है, 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था, अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाधि अपनाई थी, तो नवाब। तो 50 का ऑप्शन जो होगा आपका सी होगा। 51 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहां पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन जो होगा बी होगा, यानी नई दिल्ली में है। 52 नंबर क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो 52 का आपका जो आंसर होगा सी होगा, मैसूर होगा। 52 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लेखक और शिक्षाविद के ए मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी, तो भारतीय विद्या भवन का स्थापना इन्होंने किया था। ऑप्शन आपका 53 का जो होगा बी ऑप्शन होगा, आपका राइट होगा। 54 का आप देखिए, पूरा विश्व हेलोकॉप्टर शब्द को विशेष रूप से निम्नलिखित किस देश के साथ जोड़कर देखता है, तो 54 का जो आपका ऑप्शन होगा ए होगा, जर्मनी के साथ देखता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी, तो कोतवाल की जो भूमिका होती थी वो आपका कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था, यानी 55 का डी ऑप्शन आपका सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सादा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी 56 का ए ऑप्शन आपका सही है। 57 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो 57 का जो ए होगा ऑप्शन सही होगा, यानी बॉम्बे, अब जो मुंबई कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, मेगास्थनी जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे, तो ग्रीस के थे, यानी 58 का बी ऑप्शन आपका सही है। 59, 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो अटाला मस्जिद जो है जौनपुर में है। 59 का सी ऑप्शन आपका सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है, और किसी भी देश में समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो वो लंदन है, यानी 60 का ऑप्शन जो होगा आपका ए सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चोलनाइकन, कुरुम्बा, कुटुनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिवासी है, तो ये आदिम जनजाति की समूह के हैं, तो केरल के ये लोग हैं, यानी 61 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 62 नंबर कह रहा है कि हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है, 1956 में उन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी, तो आपको बताना है कहां सबसे पहले इन्होंने अपनी दुकान लगाई थी, तो 62 का ये लुधियाना जो कि पंजाब में है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रफलगर स्क्वायर विश्व के किस शहर में स्थित है, तो ट्रफलगर जो है वो लंदन में है, यानी 63 का बी ऑप्शन आपका सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है कि राइटर्स बिल्डिंग है वो भारत किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है, तो वो पश्चिम बंगाल का है, यानी 64 का सी ऑप्शन आपका सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, 65 का डी ऑप्शन आपका सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है, तो अजरबैजान की जो राजधानी है वो बाकू है, यानी 66 का सी ऑप्शन आपका सही है। 67 क्वेश्चन है, 67 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, तो एबल पुरस्कार है, यानी एबल प्राइज है, 67 का बी ऑप्शन आपका सही है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल मतलब पद का अधिकारी कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो 5 साल का होता है, 68 का सी ऑप्शन आपका सही है। 69 है, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है, तो गहरा नीला होता है, यानी 69 का सी ऑप्शन आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था, तो आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, यानी 70 का बी ऑप्शन आपका सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अकॉर्ड ग्रुप और ओमान के तेल और गैस मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए $3.85 बिलियन जो है
समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो 3.85 की बिलियन डॉलर के समझौता जो हुआ है वो श्रीलंका के साथ हुआ है, तो 71 का ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा। 72 है, राजस्थान के एक स्ट्रिंग कठपुतली कला से बनी गुड़िया ने हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग जीता है। यह गुड़िया निम्नलिखित किस नाम से जानी जाती है? तो 72 का जो होगा आपका सी होगा, कठपुतली गुड़िया। 73 क्वेश्चन देखिए, विजय लक्ष्मी विलास बैंक यानी LBB तमिलनाडु का 93 वर्षीय बैंक मुंबई की एक वित्तीय इकाई के साथ विलय हुआ है, इस इकाई का नाम क्या है? तो आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस इसका पूरा नाम है, मतलब इस इकाई का नाम है। तो 73 का बी ऑप्शन आपका सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश है जिसने अप्रैल 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जायेद पद से सम्मानित किया है? तो UAE ने किया था, यानी 74 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि विदर्भ ने 2018-19 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता, फरवरी 2019 में नागपुर में फाइनल में उसने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया था? तो सौराष्ट्र को हराया था। 75 का बी ऑप्शन आपका सही है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का है, x² + 1/s² = 23। तो आपको जो है बताना है x + 1x का मान क्या होगा, आपका जो होगा वो 5 होगा, यानी 76 का सी ऑप्शन आपका सही है। 77 का आप जो है क्वेश्चन देखिए, 77 का बी ऑप्शन आपका सही है, यानी 0 इसका आंसर आएगा। 78 जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर बी आएगा, t+6 आएगा। और 79 यानी 79 जो है ax² + bx + c = 0 का मूल जो है अल्फा और बीटा है, तो द्विघात समीकरणों में से जिसका मूल 1/α और 1/β है, तो कौन सा इसमें जो होगा निम्नलिखित में से कौन सा आपका संबंध होगा? तो cx² + bx + a = 0 होगा, यानी जब आप सॉल्व करिएगा तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 80 देखिए, 80 में आपका जो ऑप्शन होगा इसमें आपको दिया है कि ए एक अभाज्य संख्या है, बी एक भाज्य संख्या है, इसी तरह a + b 240 के बराबर है। तो इसके अलावा ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक जो है 4199, तो ए और बी का क्रमशः मान क्या होगा? तो 17 और 233 होगा, यानी 80 का ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से आपको बताना है 7 दशमलव कौन सा होगा, तो 1/2 होगा, यानी 81 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि एक नल है, नल ए है, किसी टंकी को 18 मिनट में भरता है, बी इसे 36 मिनट में, सी 54 मिनट में। तो नल ए खोला गया, उसके 1 मिनट बाद नल बी को खोला गया और उसके 4 मिनट बाद नल सी को खोला गया, टंकी को भरने के लिए आवश्यक समय कितना लगेगा मिनट में आपको बताना है? तो 11 मिनट लगेगा। 82 का बी ऑप्शन आपका सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि रिमू और अलका की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:2 है, 20 वर्ष पहले निम्नलिखित में से कौन सा उनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता है? तो ए जो ऑप्शन है 17:10 नहीं हो सकता है, तो 83 का ए आपका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, राम की कार्यक्षमता रहीम की कार्यक्षमता से दोगुनी है, राम किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, तो रहीम उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ये सिंपल सी क्वेश्चन है, 12 दिनों में करेगा। 84 का सी ऑप्शन आपका सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यदि sin α - cos α = 3/5 है, तो साइन ए या कॉस ए कहिए, अल्फा मैं कह रहा हूं, ए का मान क्या होगा? तो 85 का है 18/25, तो 85 का आप जब सॉल्व करिएगा तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 86 आपको जो है 86 का ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, यानी 144 इसको सॉल्व करने पे आपको प्राप्त होंगे। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 मीटर कपड़ा बेचने के दौरान अर्जित लाभ उस कपड़े के 2 मीटर के क्रैमूल के बराबर होता है, तो अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको, तो जब सॉल्व करिएगा तो 40% आएगा, यानी 87 का ए ऑप्शन आपका सही है। 88 देखिए, 2015 में भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारतीय है, 88 का डी ऑप्शन सही है। 89 जो है, निम्नलिखित में किस संस्थान को प्रथम IIT के रूप में स्थापित किया गया था? तो खड़गपुर जो है, IIT खड़गपुर को जो है प्रथम संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था, 89 का सी ऑप्शन आपका सही है। 90 देखिए, 90 जो है कि कह रहे हैं कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित मार्स ऑर्बिट मिशन के माध्यम से सितंबर 2018 में मंगल ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी की जाएगी, अरे पूरी हो जाएगी? तो 5 वर्षों में पूरी होगी। 90 का बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी सही होगा। 91 है कि जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो संघनन द्वारा होता है।
91 का बी ऑप्शन सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी का लक्षण क्या होता है? मसूड़े से खून निकलना, यानी 92 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस एनीमिया मतलब किसमें एनीमिया होने का सर्वाधिक जो होता है खतरा होता है? तो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, इनमें एनीमिया का सबसे ज्यादा खतरा होता है। 93 का सी ऑप्शन आपका सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? तो कुत्ता जो है रेबीज का कारण बनता है, यानी 94 जो है इसका डी ऑप्शन आपका सही है। 95, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो झील है, यानी 95 का ए ऑप्शन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? तो वो मंगल है, यानी 96 का सी ऑप्शन आपका सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि फ्यूज एक विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसे करता है, क्या करता है? तो ओवरलोडिंग से ये क्या करता है, बचाता है। तो आपका 97 जो होगा ए ऑप्शन सही होगा, 97 का ए होगा। 98 देखते हैं, सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलत मारा होगा, वोल्टमीटर मारा हो, सॉरी एमीटर भी मारा होगा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, गैल्वेनोमीटर होगा। तो कंफ्यूजन नहीं पालना है, डी ऑप्शन आपका सही है। 99 जो है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाइयां कौन सी है? तो देखिए ट्रांसमीटर होना चाहिए, ट्रांसमिशन चैनल होना चाहिए और रिसीवर होना चाहिए। तो 99 का ए ऑप्शन आपका सही है। 100 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रज्वलन तापमान कहते हैं। 100 का ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी होगा। 101 में जो कहा गया कि भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? तो प्रिजर्वेशन के लिए मिलाया जाता है, यानी संरक्षण के लिए मिलाया जाता है। तो 101 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट अपमार्जक यानी सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है, देखिए सिंथेटिक डिटर्जेंट जो होता है यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है, 102 का ए। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, चिकित्सीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। 103 का ऑप्शन जो होगा बी होगा। 104, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है, यानी 104 का ऑप्शन ए सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन जो है, बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितने प्रतिशत जो है अनुशंसित किया गया है? तो 15% किया गया है, यानी 105 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार 30 वर्ष से अधिक की उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुष और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए? तो 1600 से 2200 कैलोरी। तो ए ऑप्शन आपका 106 का ए ऑप्शन सही है। 107 जो है, हाइपोकोबालामिनोमिया जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो हाइपोकोबालामिनोमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है। तो 107 ए ऑप्शन सही है, 107 का ए है। 108 देखते हैं, विटामिन B3 यानी जिसे नियासिन भी कहते हैं, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पिलाग्रा होता है। 108 का डी ऑप्शन आपका सही है। 109 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रतिऊर्जक यानी एलर्जिन के कारण परागज ज्वर होता है? तो पराग के कारण होता है। 109 के सी ऑप्शन आपका सही है। 110 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? तो मैंडुला ऑब्लिगेटा जो है इस या नियंत्रित करता है। 110 का ए ऑप्शन आपका सही है। 111, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? तो न्यूरॉन होता है। तो 111 के ए ऑप्शन सही है। 112, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन से होते हैं? तो क्लोरीन होता है। 112 के सी ऑप्शन आपका सही है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ अब शुरू होता है, देख लेते हैं इसका सॉल्व, आप लोग करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। सॉल्व करके मैं सिर्फ इसका आंसर ही बता रहा हूं, वैसे मैं सारे चीजों का सिर्फ आंसर बता रहा हूं, सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ आंसर वाला ही क्वेश्चन है। 113 जो है ऑप्शन आपका जो होगा दो होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा, दो आएगा, सॉल्व करिएगा तो। 114 जो है, निम्नलिखित को हल करना है आपको, 0.009/0.9 बराबर क्या होगा? तो 0.01 आएगा, यानी डी ऑप्शन आपका 114 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, क्रमागत तीन विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 36 अधिक है, मध्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन बी आपका सही होगा, 17 इसका आंसर आएगा। 116 नंबर देखिए, 10 संख्याओं का औसत 6 है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाता है तो संख्याओं के एक नए सेट का औसत क्या होगा? तो ऑप्शन आपका जो है इसमें 72 आएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो 116 का डी है। 117, यदि 144 बाई 0.1
144 बराबर 144 बाई एक्स जो है 144.4 है, सॉरी 14.4 है बाई एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा जो भी है ध्यान नहीं आ रहा है कि 144 है या 14.4 है, तो आपको पता होगा क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो इसका देखिए सॉल्व जब करिएगा तो 117 का ए ऑप्शन सही होगा, 0.0144 आएगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन जो है विक्रम और विजय का वेतन, इन तीनों का जो वेतन अनुपात जो है 2:3:5 है और उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके नए वेतन का जो अनुपात होगा क्या होगा, तो 33:60 होगा, यानी 118 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 119 देखिए, निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करना है आपको, तो 0.001% को दशमलव में जब व्यक्त करिएगा तो 0.401 आएगा, यानी 40 मतलब 4 नहीं 4 बार 0 1 ए वाला। 119 का डी ऑप्शन आपका सही है। 120 ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं, यदि ए अकेला उसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो देखिए इसका 15 आंसर आएगा जब आप सॉल्व करिएगा, तो 120 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 121 जो है मोनिश एक निश्चित दूरी के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर प्रति आवर और शेष भाग को 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करना है, तो आप जब सॉल्व करिएगा तो इसका 6 किलोमीटर आएगा, 121 का ए ऑप्शन सही है। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक आदमी एक औरत और एक लड़का किसी काम को क्रमशः 2, 3 और 6 दिनों में पूरा करते हैं, काम को आधे दिनों में पूरा करने के लिए एक आदमी और एक महिला की सहायता के लिए कितने लड़कों की सहायता लेनी होगी, तो 7 लड़के की सहायता लेनी होगी, यानी 122 का सी ऑप्शन आपका सही है। 123 नंबर क्वेश्चन जो है, दो लंब वृत्तीय बेलन ए और बी की त्रिज्या 5:2 है और उनकी ऊंचाई 7:5 में है, तो ए और बी के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है, तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा इसका 7:2 आ गया, 2 आएगा, यानी 123 का बी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 124, यदि आज शनिवार है तो 71 दिन के बाद क्या होगा, तो आपको 71 दिन के बाद रविवार आएगा। जो टाइम एंड जो कैलेंडर क्लॉक ये वाले क्वेश्चन जो रीजनिंग बनाते हैं वो लोग बना लेंगे, आसान सा क्वेश्चन था। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए त्रिभुज एबीसी में एबी 6 सेंटीमीटर है और कोण ए का कोण जो है समद्विभाजक है और एडी है, यदि बीडी अनुपात डीसी बराबर 3:2 है तो एसी का मान आपको ज्ञात करना है, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, 125 के डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अब हिंदी का सेक्शन है जो सेक्शन नंबर 4 है, हिंदी का 25 क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मैं आपका दर्शन करने आया हूं, ये शुद्ध वाक्य है, तो 126 का ये ऑप्शन आपका सही है। 127 लेन देन विरह मिलन जड़ चेतना आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सॉरी देखिए इसमें 127 का सी ऑप्शन होगा, नहीं नहीं सॉरी 127 का बी ऑप्शन होगा, यानी जो डैश होता है वो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़ने में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है आपको, तो देखिए आसन डोलना जो है ये गलत है, बाकी आसन डोलना का मतलब विचलित न होना ये नहीं होता है, और जो ए है अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना सही है, आँच न आने देना यानी जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, और डी जो है असमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना, ये सही है, जो असंगत है वो सी ऑप्शन सही है, 128 का सी है। 129 है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो देखिए ये गुण के विरुद्ध नाम होना, ये आपका बी ऑप्शन सही होता है, तो 129 का बी ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 129 के बाद 130, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, तो तुलसी ने रामचरितमानस लिखा था सही है, इसके बाद बी भी सही है, सी भी जयसी पद्मावत ये भी इन्होंने लिखा था, डी देखिए मंजन चित्रावली जो है ये असंगत है, ये जो युग में है वो गलत है, तो 130 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। 131 कछुआ धर्म और मारेसी मोई कुंठाओ किसकी रचना है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, तो 131 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2016 का साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो 2016 का आपको अकादमिक साहित्य पुरस्कार जो है सॉरी साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2016 का आपको जो है नासिर शर्मा को दिया गया था, 132 का डी ऑप्शन आपका सही है। 133 क्वेश्चन है,
कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 343 दिया में दिया गया यह चीज, तो ए ऑप्शन आपका 133 का सही होगा, 133 का ये है। 134 आप देखिए, देखिए इसमें है 134 से 136 इसका प्रश्न दिया गया है आपको, इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है हिंदी में, तो आपको पढ़ना है और इसके आधार पे आपको उत्तर देना है, तो आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ ले। 134 में पूछा गया कि उपयुक्त गदांश का उचित शीर्षक आप क्या देंगे, तो आपको देना है, बताना है प्राचीन काल के पुस्तकालय, तो 134 का ए ऑप्शन आपका सही होता है। 135 में जो होगा कि गदांश के रेखांकित अंश की उचित व्याख्या क्या होगी, तो रेखांकित अंश आप देख लीजिए, इसी के बल पे वर्तमान भारत को और अतीत गौरव पर गौरव है, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा कि पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण आए और इन पुस्तकालयों के कारण चीन भारत प्रभुति सुदूर स्थित देशों के झुंड के झुंड विद्या अनुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे, ये भारत के अतीत गौरव का एक कारण था, मतलब 135 का बी ऑप्शन आपका सही होता है। 136 में पूछा गया कि साहित्य के उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो पुस्तकालय है। 137 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है, तो 137 का जो होगा डी होगा कार्यालय आदेश, तो 137 का डी ऑप्शन सही है। 138 निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकारी अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम आदेश अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है, तो अधिसूचना के रूप में होता है, 138 का बी ऑप्शन सही होगा। 139 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन आपका 139 का जो होगा वो सी सही होगा, ऊ। और 140 जो है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है, तो 140 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, य। 141 नंबर क्वेश्चन है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो सम का हुआ है, यानी 141 का ए ऑप्शन सही होगा। 142 निम्नलिखित में से किस शब्दों में त्वरित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो ए ऑप्शन सही होगा, वार्षिक। और 142 के बाद 143 देखते हैं कौन से शब्द तत्सम नहीं है, तो देखिए पौना जो है तत्सम शब्द नहीं है। 144 एवं का तद्भाव रूप क्या होगा, एवं होगा, 144 का ए आपका सही है। 145 गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा, दत्तक होता है, यानी 145 का बी ऑप्शन सही होगा। 146 में आपको खाली स्थान में फुलफिल करना है, तो मैंने अंतःकरण में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है, तो 146 का ए होगा अंतःकरण। 147 उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो इसमें आपको बताना है संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो उनके, 147 का ए ऑप्शन सही है। 148 किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो व्रज भाषा जो है शुद्ध है, यानी 148 का डी आपका सही है। और 149 राम खाता होगा ये क्या है, तो बताना है देखिए ये प्रेजेंट है वर्तमान है न कि फ्यूचर है, तो कन्फ्यूजन की ये क्वेश्चन थी, तो 149 का ये सब ऑप्शन जो है सही है। और 150 लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, तो धूप में चलना मतलब धूप में चला नहीं जाता, ये जो है भाववाच्य का उदाहरण है, तो 150 का डी ऑप्शन सही होता है। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों में, इसको जो है लिंक को शेयर करिए, ताकि सारे लोग जो है अपना क्वेश्चन का जो देकर जो पेपर दिए हैं उन लोग एनालिसिस करें और अपना जो है आगे की परीक्षाओं की तैयारी करें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।